तीन पुरुष या चार महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो सात पुरुष और पांच महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लेंगे? जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा कि अलग अलग क्षमताओं वाले लोग काम पर होंगे, तो सबसे पहले आप दोनों के क्षमता का तुलना कर लेंगे कि कौन किसके कितने के बराबर है, मतलब कितने पुरुष बराबर कितनी महिलाएं। जब तक ये तुलना नहीं होगा तब तक एक दूसरे में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक क्वेश्चन बनाना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले यहां कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, यहां साफ साफ दिया हुआ है कि तीन पुरुष या चार महिलाएं। तीन पुरुष या चार महिलाएं का क्या मतलब हम लोग समझ रहे हैं? का मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि तीन पुरुष के द्वारा काम किया जाए तो 43 दिन में समाप्त होगा, या चार महिलाएं के द्वारा काम किया जाए तो भी 43 दिन में काम समाप्त होगा। यही सेंटेंस कहता है ना। फिर से देखिए, तीन पुरुष या चार महिलाएं, या तो तीन पुरुष काम करे या तो चार महिलाएं काम करे, काम कितने दिन में चलेगा, समाप्त होगा 43 दिन। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि तीन पुरुष बराबर क्षमता है चार महिला के, क्योंकि तीन पुरुष भी 43 दिन में काम खत्म कर रहा है और चार महिला भी 43 दिन में, तो तीन पुरुष उतना ही दक्ष है जितना चार महिला। बस यही आपको तुलना करना है, ये आपको लिखना है तीन पुरुष बराबर चार महिला। इस तरह का तुलना सबसे पहले आपके सामने होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई जान नहीं होगा। देख लीजिए, अब सवाल कहता है कि सात पुरुष और पांच महिला उस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त होगा, यही ना। तो आप देखिए, सात पुरुष को हम महिला में कन्वर्ट कर देते हैं और ये बहुत आसान, तीन पुरुष बराबर चार महिला, तो एक पुरुष बराबर चार बटे तीन महिला और सात पुरुष बराबर सात बटे तीन गुना चार महिला। तो आप देख रहे हैं सात पुरुष बराबर कितना महिला, 28 बटे तीन महिला, यानी इसको लिख सकते हैं 28 बटे तीन महिला प्लस पांच महिला। तो देखिए तो कितना कितनी महिलाओं की संख्या क्या, ये हो जाएगा तीन, ये 28 और ये 15, यानी 43 बटे तीन महिला। अब जब इस पुरुष को महिला में आप कन्वर्ट कर लिए तो महिला का ही इक्वेशन आप लीजिए, आप ऐसा लिखिए कि चार महिला उस काम को कितने दिन में, 43 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में, 43 बटे चार, नहीं ये व्युत्क्रम अनुपाती होता है, चार महिला है तो 43 दिन और एक महिला होती है तो 43 बटे चार दिन, नहीं 43 गुना चार दिन, क्योंकि एक महिला होगी तो और अधिक समय लगेगा। ये एग्जाम्पल जो है ये समानुपाती का नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती का है। महिलाओं की संख्या जितना बढ़ाएंगे काम उतना कम दिन में होगा, और महिलाओं की संख्या जितना घटाएंगे काम उतना अधिक दिन में होगा। तो ये कम कर रहे हैं ना महिलाओं की संख्या, तो एक महिला कितने दिन में, इतना गुना चार, और महिलाओं की संख्या यहाँ कितना है 43 बटे तीन, कितने दिन में 43 गुना चार बटे 43 बटे तीन, तीन ऊपर चला जाएगा ये कट जाएगा 12 दिन। देखिए कहना हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए किसी भी क्वेश्चन में, इस सवाल में नहीं, इस तरह के किसी भी सवाल में जहां अलग अलग क्षमताओं वाले लोग काम पर आते हैं वहां ये तुलना हमको चाहिए। इस सवाल में पुरुष महिला है, अगले सवाल में आपको कुछ पुरुष कुछ महिलाएं कुछ बच्चे भी होंगे, तो हम देखेंगे कितने पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, कितनी महिलाएं बराबर कितने बच्चे, इससे क्या होगा किसी को हम किसी में कन्वर्ट कर पाएंगे, और ये करना आवश्यक है। जब तक एक वेरिएबल में नहीं लाएंगे तब तक कैलकुलेशन मुश्किल होगा। तो ये करना सबसे पहला काम, और ये करने के बाद क्वेश्चन में कुछ जान नहीं रह जाएगा। देख लीजिए आप क्या किए,
तीन पुरुष बराबर चार महिला तो सात पुरुष बराबर कितना, क्योंकि बाद में सात पुरुष है तो सात पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर लिए तो कितना महिला, इतना महिला। अब इतना महिला और इतना महिला यानी कितनी महिलाओं से काम ले रहे हैं, इतनी महिलाओं से। और महिला का समीकरण तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है कि अगर चार महिला काम पर होती है तो कितना दिन लगता है, इतना दिन लगता है। एक महिला काम पर होती है तो कितना दिन लगता है, और इतना महिला काम पर होती है तो कितना दिन लगता है, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल में वही काम करना है जो अभी पिछले सवाल में हम देखे। सबसे पहला काम क्या करना था, तो दोनों के क्षमता का तुलना करना है, और यहां वही आंसर भी है, क्षमता क्या है, दोनों के क्षमता का तुलना क्या है, वही डिमांड भी है। यदि सात पुरुष और तीन लड़के मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही काम पांच पुरुष और आठ लड़के मिलकर करे, तो एक पुरुष और एक लड़का के कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। देखिए सवाल क्या बोला, सात पुरुष प्लस तीन लड़के, ये सभी मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो पांच पुरुष और आठ लड़का के बराबर। यानी पांच पुरुष और आठ लड़का ये सभी काम करते हैं तो ये उतना ही काम करते हैं जितना काम ये सभी मिलकर करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। एक तरफ कौन है, एक तरफ सात पुरुष हैं और तीन लड़के हैं, और ये जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम। दूसरे तरफ कौन है, पांच पुरुष और आठ लड़का, दोनों का काम बराबर है तो दोनों का क्षमता भी बराबर होगा, तो दोनों को बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, पुरुष को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, दो पुरुष। सात पुरुष में पांच पुरुष इधर आकर घट जाएगा दो पुरुष, और तीन लड़का उधर जाकर घट जाएगा, बराबर हम लोग लिखेंगे पांच लड़का। पता चल गया क्या, दो पुरुष बराबर पांच लड़का। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुरुष बटा लड़का बराबर क्या, पांच बटा दो। अब आप देख सकते हैं कि एक पुरुष कितना काम कर रहा है, पांच, और एक लड़का कितना काम कर रहा है, दो। तो आप क्या कह सकते हैं, पुरुष और लड़कों के कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है, तो पांच अनुपात दो, ये क्षमता ही हुआ ना। एक पुरुष पांच काम कर रहा है और एक लड़का दो काम कर रहा है, तो पुरुष और लड़का के कार्य क्षमताओं का अनुपात पांच अनुपात दो, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते। अगला सवाल आपका, यदि 12 आदमी तथा 16 लड़के किसी काम को पांच दिनों में पूरा कर सकते हैं और 13 आदमी तथा 24 लड़के इसे चार दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी तथा एक लड़का द्वारा रोज किए गए काम का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कहता है 12 आदमी प्लस 16 लड़का, ये सभी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, तो पांच दिन में, तो पांच से गुना कर देते हैं तो पांच गुना काम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है इसी काम को 13 आदमी प्लस 24 लड़का, ये सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में, चार दिन में, तो ये सभी वही काम कर रहे हैं और ये सभी भी वही काम कर रहे हैं, तो दोनों का क्षमता बराबर होगा, तब तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 आदमी प्लस 80 लड़का, ये बराबर है किसके, 52 आदमी प्लस 96 लड़का के। अब पुरुष आदमी और लड़का को एक तरफ कर लेते हैं, आदमी को इधर लाएंगे 52 आदमी, यानी ये क्या हो जाएगा, 8 आदमी।
60 में ये 52 इधर आकर घट जाएगा, और ये 80 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 80 उधर जाकर, तो क्या होगा 16 लड़का। आप कह सकते हैं यहां से इसको काट काट के एक आदमी बराबर दो लड़का। पूछा जाए कितना आदमी बराबर कितना लड़का, तो एक आदमी बराबर दो लड़का, या ऐसे लिखिए आदमी बटा लड़का बराबर 2:1। मतलब आदमी कितना काम कर रहा है दो, और लड़का कितना काम कर रहा है एक, तो आंसर क्या होगा, एक आदमी और एक लड़का के कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:1। आइए हम लोग इसी तरह के कुछ अगले सवाल को लें। अगला सवाल आपका, 5 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकती है, यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है तो उस काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। देखिए, एक आदमी और एक महिला के कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 3:1। ये कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:3 होगा। इस बात का चर्चा हम लोग पिछले कई एक क्लास में कर चुके हैं। अब है एक आदमी के और एक महिला के लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। एक आदमी है एक दिन में, एक महिला 3 दिन में, अगर आदमी भी 5 हो जाए और महिला भी 5 हो जाए तो भी तो रेशियो वही होगा। एक आदमी और एक महिला के लिए गए समय का अनुपात 1:3 है तो 5 आदमी और 5 महिला द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, वही होगा ना। इधर एक आदमी है, एक एक्स है और एक वाई है, और इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ये है, तो 5 एक्स है और 5 वाई है तो क्या ये अलग होगा क्या, नहीं ना, ये रेशियो वही होगा। तो हम सिर्फ कहना ये चाह रहे हैं कि एक आदमी और एक महिला के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:3 है तो 5 आदमी और 5 महिला के द्वारा लिए गए समय का अनुपात भी वही होगा। और 5 महिला कितने दिन में काम समाप्त करती है, 36 दिन में, तो 5 पुरुष कितने दिन में काम समाप्त करेगा, 12 दिन में। ये आपका आंसर। आइए इस क्वेश्चन को आप दूसरे विधि से भी देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर यहां 5 आदमी है तो, 5 आदमी नहीं होता तो, 5 आदमी नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 आदमी 12 दिन में कर लेगा, उसके बाद पूछेगा 8 आदमी कितने दिन में करेगा, तो हम लोग अलग से उसका मान निकाल लेंगे। इस सवाल को आप M1 T1 D1 फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप जानिए, ये M1 T1 D1 बटे W1 बराबर M2 T2 D2 बटे W2। M क्या हुआ, M हुआ कितने आदमी काम कर रहे हैं, T क्या हुआ कितने घंटा कितना समय काम कर रहा है, और D क्या हुआ कितने दिन, और ये काम हुआ। पहला सेंटेंस में जो होगा वो 1:1:1 होगा, और दूसरे सेंटेंस में जो होगा वो 2:2:2 होगा, और इन दोनों बात में कोई फर्क नहीं है। अब आइए इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। फॉर्मूला आप देखे हैं, सबसे पहले क्या M1 यानी आदमी, तो कितनी महिलाएं काम कर रही है, 5 महिला। आदमी की संख्या क्या है यहां, M1 के जगह क्या होगा, 5 महिला। कितने दिन में, 36 दिन में क्या काम, एक काम। नहीं, इस क्वेश्चन में T नहीं है, टाइम कहीं नहीं दिया हुआ। फिर क्या दिया हुआ है, 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में, X दिन में, और काम वही है, इसलिए यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा।
अब अगला कंडीशन क्या है कि एक महिला और एक पुरुष के कार्य करने कार्य के क्षमताओं का अनुपात 1:3 है, यानी पुरुष 3 काम करता है और महिला 1 काम। तो आप लिख सकते हैं 5 महिला यहाँ है और यहाँ 5 पुरुष है, क्या 5 पुरुष बराबर 15 महिला लिख सकते हैं क्या? यहाँ देखिए सवाल क्या कहता है, एक आदमी और एक महिला, एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, मतलब एक आदमी 3 काम करता है और एक महिला 1 काम करती है, यानी एक आदमी 3 महिला के बराबर है, यानी 5 पुरुष 15 महिला के बराबर है। तो हम लोग इसके बराबर क्या लिखेंगे, 15 महिला। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहां क्या है, 5 महिला और 15 महिला गुना 3 और 3 से कट जाएगा 12, बार में एक्स बराबर क्या 12 दिन, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, समय और काम हम लोग पढ़ रहे हैं, समय और काम का अगला सवाल, 18 पुरुष 1 काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इस काम को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में कर सकेंगे। अभी तक जो हम लोग सवाल देखे उसमें 2 ही क्षमता वाले लोग थे, पुरुष महिला, पुरुष लड़का। अब यहाँ क्या है, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं और तीनों का क्षमता अलग अलग है। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था उनके क्षमताओं का तुलना कर लेने और कुछ नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। आप देखिए जरा सा, दिया हुआ है कि 18 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, 18 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यानी 18 × 24 पुरुष अगर आ जाए तो काम एक ही दिन में हो जाएगा। 18 पुरुष आज काम किया तो 18 पुरुष आया ना, फिर 18 पुरुष कल काम किया तो फिर 18 पुरुष आए ना, फिर 18 पुरुष, फिर 18 पुरुष, फिर 18 पुरुष, कितनी बार, 24 बार, तो कितना पुरुष आया होगा, 18 × 24। तो हम सिर्फ कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इतने पुरुष को बुलाया जाए तो काम एक ही दिन में हो जाएगा, तो एक ही दिन में काम समाप्त करने के लिए इतना पुरुष का आवश्यकता है। उसी तरह दिया हुआ है कि 54 महिलाएं इस काम को 12 दिन में, यानी हम लोग लिख सकते हैं 54 × 12 महिला को बुलाया जाए तो काम एक ही दिन में हो जाएगा। इसी प्रकार उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे बच्चों की संख्या क्या, दिया हुआ है 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में कर सकते हैं, तो 16 × 54 बच्चा अगर बुलाया जाए तो काम एक ही दिन में हो जाएगा। देखिए इस सब को बराबर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, कि ये सभी वही काम कर रहा है क्या, एक काम, ये सभी वही काम कर रहा है एक काम और एक ही दिन में, ये भी दिन में एक, ये भी एक ही दिन में एक काम और ये भी एक ही दिन में एक काम और ये सभी भी एक ही दिन में एक काम, तो तीनों का क्षमता बराबर होगा तब ना, बराबर काम कर रहे हैं बराबर समय में, तो तीनों को हम लोग बराबर लिख पाएंगे। और यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि इसको जरा सा, एक पुरुष बराबर कितना महिला बराबर कितना बच्चा, जो हम क्षमता निकालने बोल रहे हैं सबसे पहले काम यही करना है। किसी भी क्वेश्चन में 18 से ये 3 बार में जो कॉमन होगा काट देंगे और 18 से 3 बार में जो तीनों जगह कैंसिल होगा वही कैंसिल करेंगे। अब देखिए ये 3 3 और यहां से ये 8 बार में कट जाएगा। अब 8 को हम लोग काटते हैं 4 से 2 बार में और ये काटेंगे 3 बार में और ये काटेंगे 4 बार में, तो क्या बचा, बचा 2 पुरुष बराबर 3 महिला बराबर क्या, बराबर 4 बच्चा।
यानी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, कि दो पुरुष जितना काम कर सकता है उतना ही काम तीन महिला, उतना ही काम चार बच्चा, यानी इन सभी को हम कह सकते हैं कि ये दो पुरुष तीन महिला के बराबर है, दो पुरुष चार बच्चा के बराबर है। तो इसको एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कभी भी कर सकते हैं। तो अब देखिए काम किससे लेना है, काम लेना है किससे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तीन पुरुष और नौ महिला और छह बच्चे, इन सभी से काम लेना है ना। तो ये तो अलग अलग क्षमताओं वाले लोग हैं, तो हम लोग कैसे कहेंगे काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इन सभी को एक ही क्षमता वाले लोग में व्यक्त करना है, चाहे पुरुष में, चाहे महिला में, चाहे बच्चे में। तो आप देखिए, दो पुरुष बराबर चार बच्चा, दो पुरुष बराबर चार बच्चा, तो तीन पुरुष बराबर कितना, छह बच्चा, ये छह बच्चा और ये नौ। आप देखिए तीन महिला बराबर चार बच्चा, तीन महिला बराबर है किसके, चार बच्चे के, तो नौ महिला बराबर है किसके, बारह बच्चे के, और ये छह बच्चा तो छह बच्चा है ही, तो कितने बच्चे से काम लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं चौबीस बच्चे से काम लेना है, तो चौबीस बच्चे से काम लेना है, तो आप देखिए कितना बच्चा का जरूरत है। आप जानते हैं कि 16 गुना 54, इतना बच्चा अगर आता है तो काम एक दिन में होता है, और 24 बच्चा अगर आएगा तो काम कितने दिन में होगा। या अगर ये आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको आप ऐसे यहां लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 बच्चा उस काम को कितने दिन में, 54 दिन में, 16 बच्चा उस काम को कितने दिन में, 54 दिन में, एक बच्चा कितने दिन में, तो आप कहिएगा 54 गुना 16 दिन में, है ना, और 24 बच्चा कितने दिन में, तो देखिए कितने दिन में, 54 गुना 16 बटे 24, ये 8 से 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 18, यानी 36 दिन में। लेकिन इतना करने का आवश्यकता यहां नहीं था, यहां इतना वक्त हम लोग को नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जब समझ गए हैं तो यहां देखेंगे कितने बच्चे से काम लेना है, काम लेना है 24 बच्चे से, और बच्चों की संख्या ये है ना, यही 24 से भाग लगा देंगे बस, क्योंकि टोटल कितना बच्चा चाहिए हमको, इतना बच्चा चाहिए, और कितना बच्चा है यहां 24, तो 24 से भाग लगा देंगे तो कितने दिन काम चलेगा नहीं पता चलेगा क्या। तो हम लोग को सिर्फ इतना करना था, कितना, 16 गुना 54, इतना बच्चा चाहिए तो काम समाप्त हो जाएगा, और 24 बच्चा हमारे पास है, तो इस बच्चे को कितने दिन काम करना होगा, सिर्फ इतना ही लिखना था, जिसके बदले हम लोग इतना लिखे समझने के लिए। अगले क्वेश्चन में इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे भाग लगा दिया करेंगे। आइए अगले सवाल में, अगला सवाल आपका, सवाल पिछले सवाल से ही मिलता जुलता, 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्षमता दिया हुआ है किसका, 12 आदमी 16 औरत का, एक काम को करने में कितना समय लगेगा, 4 दिन। अब आगे चलकर बोला है एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगता है, तो क्वेश्चन कहता है एक औरत के द्वारा इस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। यानी इस क्वेश्चन कह रहा है 12 आदमी, आदमी को हम लोग M लिखते हैं और औरत को W, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 12 आदमी हुआ और ये 16 औरत, ये सभी 4 दिन में एक काम करते हैं, तो इन सभी को 4 से गुना कर देंगे तो 4 दिन का काम होगा ना, ये सभी 4 दिन में एक काम करते हैं। और आगे चलकर क्वेश्चन बोला एक आदमी कितने दिन में, 80 दिन में ये एक काम करता है, तो ये एक काम और ये काम बराबर है, तो ये क्षमता और ये क्षमता भी बराबर होगा, दोनों ने एक ही काम किया है तो दोनों का क्षमता भी एक ही होना चाहिए, दोनों का क्षमता भी बराबर होना चाहिए। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे
48 एम प्लस 64 डब्ल्यू बराबर क्या 80 एम। अब एम को उधर ले जाएंगे तो 64 डब्ल्यू बराबर 32 एम, दो बार में इसको काटेंगे यानी लिख सकते हैं एम बराबर 2 डब्ल्यू। आप देख रहे हैं एक आदमी बराबर है किसके, दो महिला के। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम बटे डब्ल्यू बराबर 2:1। इससे क्या मिला आपको, इससे मिला क्षमताओं का अनुपात कि एक आदमी दो काम करता है तो एक औरत एक काम करती है, तो जो दो क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा दिन का अनुपात होता है। एक आदमी को एक दिन लगेगा तो एक औरत को दो दिन लगेगा। इस बात का चर्चा तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि काम और दिन एक दूसरे का उल्टा होगा। आप ज्यादा दक्ष होंगे आपको कम समय लगेगा, आप कम दक्ष होंगे आपको अधिक समय लगेगा। तो क्षमताओं का अनुपात 2:1 है तो दिन का अनुपात 1:2 होगा। एक आदमी को एक दिन और एक औरत को दो दिन, तो आपका सवाल कहता है एक आदमी को 80 दिन तो एक औरत को कितना दिन, 160 दिन। ये आपका आंसर है, यहां कुछ करने का आवश्यकता नहीं, दुगना है तो दुगना समय लगेगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, सवाल कहता है एक पुरुष एक महिला अथवा एक लड़का एक काम को क्रमशः 4 दिन 5 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों का क्षमता हो गया कि एक काम को पुरुष 4 दिन में, महिला 5 दिन में तथा बच्चा 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़कों को शामिल किया जाए ताकि सभी मिलकर काम 1 दिन में पूरा कर सके। देखिए क्या है, कहता है एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा, ये 4 दिन में, ये 5 दिन में और ये 20 दिन में कर सकता है। ये सवाल कह रहा है, ये सवाल में दिया हुआ है। अब कहता है एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने बच्चे हो ताकि काम 1 ही दिन में हो जाए। तो हम लोग एक पुरुष वहां है ये श्योर कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं काम पर एक पुरुष है और हम लोग ये भी कह सकते हैं काम पर एक महिला है। अगर एक पुरुष काम पर है तो 1 दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा, 1/4 भाग, क्योंकि पुरुष 4 दिन में एक काम कर देता है तो 1 दिन में क्या करेगा, 1/4। महिला 5 दिन में एक काम तो 1 दिन में कितना काम, 1/5। और एक बच्चा अगर हो तो काम 1/20 होगा, एक बच्चा हो तो काम 1/20 होगा। लेकिन हम लोग श्योर नहीं है कि एक बच्चा है वहां। एक पुरुष एक महिला के साथ कितने बच्चे हो ताकि काम 1 ही दिन में हो जाए, तो माना एक्स बच्चे हैं। एक बच्चा अगर वहां है तो 1/20 काम होगा और एक्स बच्चा है तो 1/20 काम होगा। अब ये काम पुरुष का, ये महिला का और ये बच्चे का, और तीनों मिलाकर क्या, एक काम। तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, एक काम बराबर एक काम। आप लिखिए एक्स का मान निकालिए, आपका आंसर एक्स 20 बराबर क्या, 1 - 1/4 - 1/5। कुछ दिक्कत क्या, ये दोनों उधर जाकर घट जाएगा। एक्स 20 बराबर क्या, ये होगा 20 - 5 - 4। अब ये कैंसिल हो जाएगा और आप देखिए 20 - 5 - 4 यानी कितना, 11। एक्स बराबर 11 यानी अगर उस समूह में 11 बच्चे हों
तो काम एक ही दिन में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए दिया हुआ है चार पुरुष बराबर पांच महिला बराबर 20 बच्चा दिया हुआ है ना। चार पुरुष भी एक दिन में कर सकता है और एक पांच महिला भी एक दिन में कर सकती है, तो दोनों का क्षमता बराबर हुआ ना। 20 बच्चा भी एक दिन में कर सकता है तो इसका भी क्षमता उसके बराबर हुआ ना। अब ये सभी बराबर है और क्वेश्चन कहता है एक पुरुष प्लस एक महिला के साथ कितने बच्चे को काम पर लाया जाए कि काम एक ही दिन में खत्म हो जाए, यही ना। देखिए चार पुरुष है और चार पुरुष बराबर किसके है, 20 बच्चा के, तो एक पुरुष बराबर किसके, पांच बच्चा के, यानी एक पुरुष है तो पांच बच्चा तो हो ही गया। फिर से एक बार देखिए आप, चार पुरुष बराबर क्या दिया हुआ है, 20 बच्चा, तो चार से इसको काटेंगे पांच बार में नहीं कटेगा, तो एक पुरुष का मान क्या, पांच बच्चा, तो एक पुरुष वहां मौजूद है का मतलब पांच बच्चा है। फिर देखिए पांच महिला बराबर 20 बच्चा, तो एक महिला बराबर चार बच्चा, तो एक महिला वहां है मतलब चार बच्चा है। अब पांच बच्चा और चार बच्चा तो हो ही गया, कितना बच्चा और होगा, तो 20 बच्चा तो काम समाप्त कर देता है, दिया हुआ है 20 बच्चा एक दिन में काम समाप्त कर सकता है और 9 बच्चा यहां आ चुका है, तो कितना और बच्चा आएगा, 11 बच्चा, और 11 बच्चा आएगा तो काम समाप्त हो जाएगा क्योंकि 20 बच्चा हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 बच्चा, ये आपका आंसर आंसर है। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल, आपका सवाल कहता है 24 आदमी किसी निश्चित समय में 40 लड़के द्वारा किए गए कार्य के बराबर काम कर सकते हैं, किसी कार्य के हिस्से को 9 आदमी और 25 लड़के द्वारा पूरा किया जा सकता है, उतने ही समय में समान काम को पूरा करने के लिए 12 आदमी के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। देखिए सवाल का सबसे पहला लाइन आप समझिए, 24 आदमी किसी निश्चित समय में 40 लड़का द्वारा, यानी 24 आदमी जितना काम कर रहा है उतना ही काम कौन कर रहा है, 40 लड़का। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग नोट करें, 24 आदमी और ये बराबर है किसके, 40 लड़का के। 8 से 3 बार में, 8 से 5 बार में, और लिखेंगे हम लोग 3 आदमी बराबर 5 लड़का। ये क्षमता हम लोग को मिल गया कि जहां भी 3 आदमी होगा वहां 5 लड़का हम लोग लिख सकते हैं। और ये सबसे पहला काम हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में यही होता है कि कितना आदमी कितना लड़का के बराबर है, ताकि कभी भी जरूरत के अनुसार हम लोग कन्वर्ट कर सके आदमी को लड़का में, लड़का को आदमी में। अब आइए क्वेश्चन कहता है किसी कार्य के हिस्से को कौन, 9 आदमी और 25 लड़का। कोई काम है जिसको 9 आदमी और 25 लड़का कर सकता है किसी निश्चित समय में, एक्स दिन में, कितने दिन में, एक्स दिन में, तो ये काम, और फिर क्वेश्चन कहता है उतने ही दिन में, मतलब एक्स दिन में किसके द्वारा, तो 12 आदमी और कुछ लड़कों के साथ, 12 आदमी और कुछ लड़कों के साथ। तो आप आइए यहां लिख लीजिए 12 आदमी और वाई लड़का, यही क्वेश्चन कह रहा ना कि जिस काम को 9 आदमी 25 लड़का एक्स दिन में कर सकता है उसी काम को 12 आदमी और वाई लड़का एक्स दिन में कर सकता है, तो इस वाई लड़का का, वाई का मान हमको बताना है। क्वेश्चन यही कह रहा है
कि 9 आदमी और 25 लड़का जिस काम को कर सकता है उसी काम को करने के लिए 12 आदमी के साथ कितने लड़कों को काम पर लाया जाए ताकि काम उतने ही समय में समाप्त हो जाए। तो समय x मान लिए तो x से तो कोई लेना देना ही नहीं है, x और x तो कैंसिल हो ही जाएगा, बराबर इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों एक ही काम कर रहा है। अब आप क्या लिख सकते हैं यहां देखिए, तो अब आप लिखेंगे 9 आदमी बराबर क्या लिखेंगे, आप देखिए दिया हुआ है 3 आदमी बराबर 5 लड़का तो 9 आदमी बराबर 15 लड़का, ये 15 लड़का है और ये 25 लड़का है तो कुल मिलाकर कितना 40 लड़का, और इधर 12 आदमी है, 12 आदमी को भी लड़का में कन्वर्ट करते हैं, 3 आदमी बराबर 5 लड़का तो 12 आदमी बराबर कितना 4 गुना है ना इसका, तो ये भी 4 गुना होगा 20 लड़का। अब प्लस क्या वाई लड़का, अब बोलिए वाई का मान क्या होगा, यहां देखिए कितना होता है 40 लड़का और ये 20 लड़का तो वाई का मान 20 होगा तब तो दोनों बराबर होगा, वाई बराबर क्या 20 लड़का, ये आपका आंसर।